हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। एनवायरमेंटल साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है इफ़ेक्ट पोल्यूशन का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन है क्या। एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ अ टर्म दैट रिफर्स टू ऑल वेज इन विच सराउंडिंग ऑफ पीपल एंड डन बाय पीपल पोल्यूटेड। ठीक है भाई, क्या है कि भाई हम एनवायरमेंट पोल्यूशन है क्या, तो हमारे द्वारा जो भी आसपास का जो एरिया, जो हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मिक्सअप करके पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूशन है। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन अकर बाय एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग वेयर पीपल डू डिफरेंट वर्क इन देयर डेली लाइफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस स्मोक आर द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या है, मेजर रोल प्ले करता है, मेजर सोर्सेज है एनवायरमेंट पोल्यूशन का। आप मेट्रो सिटीज़ की बात कर लीजिए, वहाँ पे आपको देखा होगा कि किस तरीके से गाड़ियों का धुआं और वहाँ का जो एक तरीके से एनवायरमेंट है वो कितना पोल्यूट हो गया है। अगर आप एयर क्वालिटी काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एक तरीके से जो लो रैंक है वो दिखाई फाइंड आउट होगी कि जो सबसे कम एरिया है ऐसा जहाँ पे जो एयर है ब्रीथिंग के लिए भी क्या है, सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी जो मेन कॉज है वो क्या है कि एक तो डिफरेंट टाइप की गैसेस, ठीक है, दूसरा स्मोक आर द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच इज़ पुट इम्पैक्ट ऑन ब्रीथिंग सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है अगर बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी बढ़ जाती हैं। वाटर पोल्यूशन पोल्यूटेड बाय ड्रेनिंग द केमिकल, ठीक है, वेस्ट। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो एक तरीके से क्या है कि भाई जो जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, अब जो भी उनका वेस्ट है उनको पानी में क्या कर रही हैं, ड्रेन कर रही हैं, पानी के साथ ड्रेन कर रही हैं, जिससे जो भी सोर्सेज हैं वाटर के वो सब पोल्यूट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही हमारे क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का पार्ट है। यही क्या है, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। क्योंकि स्टूडेंट हम अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, एटमॉस्फेयर की, तो एक साइकिल है, साइकिल में सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चाहे हम एयर की बात करें, चाहे हम वाटर की बात करें, सारी चीज़ें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। अगर चेन में किसी एक को भी हम पोल्यूट कर देते हैं तो सारी चीज़ें क्या है, पोल्यूटेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमने बात करी कि भी स्मोक से क्या हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगी जिसका इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है उस पर पड़ने लगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में देख लीजिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वेहिकुलर पोल्यूशन और वाटर वेस्ट पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो एयर पोल्यूशन क्या है, द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आर मेनली गैसेस, डोमेस्टिक फ्यूल्स, डे टू डे बेस द गैसेस विच आर कम विद कैम चिमनीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो क्या है, मेजर रोल प्ले करती है एयर पॉल्यूशन में। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्मोक का क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, चिमनी से निकलता हुआ धुआं किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। ठीक है, जो सम केमिकल्स आर गैसेज आर एज एल्डिहाइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, ठीक है, और क्लोरीन है,
कैडियम है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो ये सारी गैसेस क्या हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन में। सेफ्टी मेजर्स क्या हैं इन इनके, वी हैव टू यूज़ कुकिंग गैस, बायोगैस एंड सोलर इक्विपमेंट टू अवॉइड द डोमेस्टिक फ्यूल पोल्यूशन। वी हैव टू टेक एक्शन विद स्टेट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड टू अवॉइड द पोल्यूशन बाय एक्यूरेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वेस्टेज ऑफ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग। जैसा कि हमें पता है कि पानी को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देखें आज के टाइम में तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी कितना ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है पानी का, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ अ मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, केमिकल, मिनरल्स, वेस्टेज ड्रेन आउटसाइड विद द वाटर दैट वाटर एक्सप्लोर द रिवर पॉन्ड लेक नंबर ऑफ वाटर रिजर्व पीपल आर विंग सफर फ्रॉम द डिफरेंट डिकेज। एग्रीकल्चर केमिकल ऑल्सो कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन विच केमिकल्स आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। दीज केमिकल्स मिक्सअप विद सॉइल एंड पुट इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, तो पुट इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। नॉइज पॉल्यूशन थर्ड वन, द मेन कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स जैसे कि क्या है, मशीन्स बहुत सारा तेजी से आवाज कर रही हैं, व्हीकल्स आज के टाइम में देखा होगा जैसे जैसे रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑटोमोबाइल की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नॉइज कितना आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट में चले जाएं कितना शोर शराबा होता है। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ बहुत तेजी से आज के टाइम में देखा जाए तो डीजे वगैरह या इस तरीके से सॉन्ग प्ले किए जाते हैं, तो वो भी क्या है, कॉज है नॉइज पॉल्यूशन का रिक्रिएशंस के लिए। ठीक है, आर द मेन कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन की, तो सॉइल पॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डिफीट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी की उर्वरक जो भी शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की वजह से जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए तो बढ़ा सकते हैं लेकिन वो ओवर टाइम के लिए क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, बार बार उसको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, फर्टाइल करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर डिफीट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। सेकेंड रीजन मे बी डोमेस्टिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज डेली होम लाइफ एक्टिविटी एंड द बेस अराइज फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द डस्ट। ठीक है, या फिर सेकेंड हम बात कर रहे हैं सॉइल पोल्यूशन की, कि आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, जैसे कि अगर हम एक सिटी की बात करें तो जो भी कूड़ा करकट होता है वो निकाल के शहर के बाहर फेंक दिया जाता है, यानी कि जो आसपास के खेत होते हैं वहाँ पे वो उड़ के पहुँचता है, यानी कि जो भी केमिकल्स वगैरह हैं किसी भी टाइप का वेस्ट है तो वो वहाँ पे क्या है, सॉइल में मिक्सअप होके वहाँ की जो भी सॉइल है उसको ख़राब कर देता है, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सॉइल पोल्यूशन वेयर हार्मफुल गैसेज एंड केमिकल्स डायरेक्टली मिक्सअप इन सॉइल। वैसे तो आज के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं कि भाई आप इसी तरह ऐसे ही क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को बाहर ड्रेन नहीं कर सकते, आप पहले उसको ट्रीट करेंगे उसके बाद जाके उसको वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे प्रोविजंस प्रैक्टिस में करने के लिए बहुत सारे अथॉरिटीज़ को भी साइन किया गया ताकि टाइम टू टाइम फॉलोअप लिया जा सके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इन द जैसे कि पेस्टिसाइड है, केमिकल्स में भी पार्ट ऑफ द पोल्यूशन, वी कैन अवॉइडेड बाय कलेक्शन ऑफ द वेस्ट, रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अराइज व्हेन वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्री मिक्सअप इन एयर वाटर एंड सॉइल विंग ऑफ रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स इज डिमांड ऑफ द मार्केट बट द ओवर यूटिलाइजेशन क्रिएट अ कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री से निकला हुआ बहुत सारा वेस्ट हमारे एनवायरमेंट को क्या कर देता है, पॉल्यूशन कर देता है, तो जो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। वेहिकुलर पॉल्यूशन, दैट फ्यूम्स ऑफ पेट्रोल डीजल डिस्टर्ब द साइकिल ऑफ एनवायरमेंट सिस्टम पुट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा वेस्ट पोल्यूशन,
द पॉल्यूशन इज हैपन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट सच एज बॉटल क्रॉकरी कंटेनर प्लास्टिक बैग बैग ऑफ पॉलीथीन. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, वेस्ट पोल्यूशंस हैं. तो यही था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट, जिसमें हमने बात करी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की. ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. तो आज तो खाली हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो क्लियर करा कि भाई क्या क्या होता है, एयर पोल्यूशन है क्या, डिफाइन, जस्ट डिफाइन इट. ठीक है, और आने वाले हमारे लेक्चर में हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि भाई एयर पोल्यूशन क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में. लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली भी आपको मिल जाएंगे कि भाई जस्ट एयर पोल्यूशन के बारे में पूछा गया. ठीक है, और साथ के साथ ये बताया गया कि भाई कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एयर जहाँ की पॉल्यूटेड है, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं. तो इस तरीके से जो करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे हमने देखे हैं. ठीक है, और वाटर पॉल्यूशन की जो कि क्या है, मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यही था. नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे अबाउट द पॉल्यूशन. ओके, होप सो आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं. किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कन्वे करें ताकि मैं अगेन उससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूं. ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक्स.